मैं हूं अजमारी शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन स्पून। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए स्पेशल रेसिपी लाई हूं, जिसका नाम है अफगानी मलाई सीख कबाब। ये रेसिपी आपकी किसी भी फंक्शन में जान डाल देंगी। ये रेसिपी इतनी स्वादिष्ट और लाजवाब है कि इसे खाने के बाद हर कोई आपसे इसके बारे में ही बात करेगा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन कीमा। बोनलेस चिकन को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। एक मीडियम साइज अनियन, थोड़ा हरा धनिया और पुदीना, 2-3 हरी मिर्च, प्याज, पुदीना और हरी मिर्च को चॉपर या नाइफ की हेल्प से चॉप कर लेंगे इस तरह से। अब इसे चिकन में ऐड करेंगे। इसके साथ इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच चाट मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और इसे मिला लेंगे। अगर पानी या प्याज की वजह से मिक्सचर पतला हो जाता है तो इसमें 2 ब्रेड की स्लाइस को फाइन पीस के इसमें ऐड कर लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाएगी। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो चलिए अब सीख कबाब रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हमें सीख की ज़रूरत होगी। बट अगर किसी के पास सीख नहीं है तो उसके अल्टरनेट में हम फुल लेंथ पेंसिल को वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल और हाथ पर थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा लेकर इसमें इस तरह से पेंसिल को इंसर्ट कर देंगे और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए कबाब का शेप बना लेंगे और फिर इसे निकाल कर प्लेट में रख देंगे। सेम इसी तरह से सारे कबाब रेडी कर लेंगे। कबाब रेडी हो गए हैं, अब हम इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए ग्रिल पैन या कोई भी नॉनस्टिक पैन में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और 1 चम्मच बटर को गर्म कर लेंगे। फिर इसमें कबाब को शैलो फ्राई कर लेंगे 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पर। 2-3 मिनट बाद इसे पलट कर फिर फ्राई कर लेंगे। इसे हमें बस 30-40% कुक करना है, बाकी तो ग्रेवी के साथ ये कुक हो ही जाएगी। यहाँ हम स्मोकी फ्लेवर के लिए कबाब को गैस के ऊपर 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सेक लेंगे। इस तरह करने से कबाब में बिल्कुल बारबेक्यू वाला टेस्ट आता है। इसी तरह सभी कबाब को सेक लेंगे। अब इसकी ग्रेवी रेडी कर लेंगे। इसके लिए एक पैन में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें 1 मीडियम साइज रफली चॉप्ड अनियन, 4 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी, थोड़ी जावित्री, 10 से 12 काजू डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 4-5 हरी मिर्च डालकर इसे 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 2 मिनट बाद इसमें 1/2 कप पानी डालकर 1-2 मिनट और कुक कर लेंगे और फिर इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद फाइन पीस लेंगे इस तरह से। एक पैन में 3 चम्मच कुकिंग ऑयल और 2 चम्मच बटर को गर्म कर लेंगे। इसमें 2 हरी इलायची, 1/2 इंच दालचीनी, 1/2 चम्मच जीरा डालकर इसे हल्का सा सॉटे करने के बाद इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे ढककर 2-3 मिनट लो फ्लेम पर भून लेंगे। फिर इसमें प्याज और काजू की जो प्यूरी बनाई थी वो ऐड करके इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। 5-6 मिनट हम इसे बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे। ऑयल ग्रेवी से अलग हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये अच्छी तरह से भुन गई है। अब इसमें 2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर इसे मिला लेंगे। फिर इसमें 1/2 कप दही ऐड करके मिक्स कर लेंगे। इसे 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कप फ्रेश क्रीम डालकर इसे मिला लेंगे। फ्रेश क्रीम की जगह आप दूध की फ्रेश मलाई का भी यूज कर सकते हैं। फिर इसमें ये सीख कबाब डालकर मिला लेंगे। इसके बाद इसमें 2 कप गर्म पानी ऐड करेंगे। इसके साथ 1 चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे और इसे 15 मिनट के लिए
लो फ्लेम पर ढक कर कुक कर लेंगे। 15 मिनट बाद गैस को बंद कर देंगे और फिर इसमें चॉप्ड हरे धनिया ऐड करके इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था, ये एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आप सिर्फ इसकी खुशबू से ही जान लेंगे कि ये कितनी स्वादिष्ट बनी होंगी। आपको यह रेसिपी इजीली रेस्टोरेंट में नहीं खाने को मिलेंगी, तो आप अपनी फैमिली के लिए इस डिश को ज़रूर बनाइए और तारीफों के लुत्फ़ उठाइए। और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाइक एंड शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और जल्द ही मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। सो टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।